हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे आने वाली वीडियो का पता लग जाएगा दोस्तों। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी खबर। उत्तर कोरिया ने फिर जापान के ऊपर से दागी मिसाइल, यूएन सुरक्षा परिषद ने बताया खतरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को बेहद उस्काने वाले बताते हुए उसकी बड़ी निंदा की। काउंसिल ने मांग की कि वह इस तरह की भड़काऊ कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाए। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को पयोंगयांग से उत्तरी जापान के ऊपर एक मध्यम दूरी की मिसाइल दागी। इसे लेकर सुरक्षा परिषद ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी। सुरक्षा परिषद ने एक बयान में कहा कि इससे 3 हफ्ते पहले भी उत्तर कोरिया की एक मिसाइल जापान के ऊपर गुजरी थी और करीब 2 हफ्ते पहले उत्तर कोरिया ने अपना 6ठा और सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक के बाद एक बयान में कहा, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इन परीक्षणों की कड़ी निंदा की, भड़काऊ कार्रवाई के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की और उसे इस तरह से कि सभी कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की। जापान और अमेरिका के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई थी। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद ने जोर देते हुए कहा कि ये कार्रवाई न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए खतरा है। इससे पहले इस हफ्ते सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध कड़े करने, उसके कपड़ों के निर्यात पर रोक लगाने और ईंधन की आपूर्ति को सीमित करने पर सहमत हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।